किसान भाइयों नमस्कार, चौहान एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज जो हम वीडियो आपके लिए जानकारी लाए हैं, वो जो गेहूं हमारा जनवरी 2022 में निसर चुका है, मतलब ये बहुत अगेती वैरायटी बोई गई थी, जो अब गेहूं इसमें बनना शुरू हो चुका है। ये दिखाते हैं, हम इसकी बैल दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी सुंदर इस पर बैल आ रही है। अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो यह 2967 वैरायटी है, जो उत्तर भारत में किसान काफ़ी इसको बोते हैं और इसकी उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकलता है। ये देखो, यहाँ पर किसान भाई का जो ये प्लाट है, 3 बीघे का प्लाट है, लगभग आधे एकड़ का ये प्लाट है, और किसान भाई ने इसमें बीच में सरसों भी बो रखी है। तो हम किसान भाई से आपको मिलवाएंगे, इसकी जानकारी लेंगे कि उसने ये कब बुआई की, कब इसमें खाद दिया, कब पानी लगाया, और ये इसमें सरसों बो रखी है, ये क्या कारण है सरसों बोने का। क्योंकि आजकल किसान भाई जो भी हैं वो गेहूं के अकेला ही गेहूं बोते हैं, ये उसमें कोई और फसल नहीं बोते हैं, लेकिन किसान भाई ने यहाँ पर सरसों बो रखी है। अब हम किसान भाई के पास चलते हैं, उनसे उनका परिचय लेते हैं। किसान भाइयों, हम अभी किसान से मिलाते हैं आपको, जो हमारे युवा किसान हैं। पहले किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम हरीश चौहान है और मेरा गाँव औरंगाबाद जिला हरिद्वार है। अच्छा, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आपका गेहूं लगा हुआ है, इसमें ये निसर चुका है, यानी कि बैल इसमें आ चुके हैं, और अभी गेहूं काफ़ी अभी समय नहीं आया है निसरने का, लेकिन ये गेहूं निसर चुका है, इसका क्या कारण है ये इतनी जल्दी निसर गया? ये मैंने थोड़ा जल्दी बो दिया था अक्टूबर महीने में, अक्टूबर को बो दिया था, 22 अक्टूबर को बो दिया था। और ये बीज भी काफ़ी अच्छा है, ये 2967 बीज है गेहूँ का, ये वरायटी 2967 है। अगर किसान भाई, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये बीघे में कितना निकल जाता है? ये बीघे में 4 से 5 क्विंटल निकल जाता है। 4 से 5 क्विंटल, अच्छी मेहनत की हो किसान भाई ने। किसान भाइयों देखिए, युवा किसान ने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी, जो इन्होंने वैरायटी लगा रखी है 2967 अगेती वैरायटी है, इसको किसान भाई लगाए और इसमें वो डबल मुनाफा ले रहे हैं, क्योंकि सरसों से उनका चारा भी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये उनका डबल फायदा हो रहा है, गेहूं के साथ साथ चारा का भी उत्पादन वो ले रहे हैं। किसान भाइयों, इसका अगेते बोने का कारण है, किसान भाई ने हमें बताया है, क्योंकि जैसे ही ये देखो अब निसर चुके हैं गेहूं, ये जल्दी ही कट जाएगा, यानी कि अप्रैल के महीने में ये कट जाएगा, इसमें फिर वो गन्ने की फसल लेंगे, क्योंकि गन्ने की जो फसल है, वो गन्ना जो अप्रैल में बोया जाता है उससे, वो ज़्यादातर गन्ना और गन्ने की फसल से भी, मतलब इसमें बाद में वो गन्ने की फसल भी बढ़िया ले पाएंगे। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।